नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड कलर किचन सीरीज एपिसोड 6 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कलई से कल्याण तक, ये कलर किचन सीरीज में हमारे इस शो में जो हमारे सपोर्टेड पार्टनर है कोर वैल्यू फॉर फर्नीचर एंड वेन्यू पार्टनर है काशा किचन, और हमारे साथ है वेल नोन इंटीरियर डिज़ाइनर प्रीति सिंघानिया जी, जो है योरवे इंटीरियर की फाउंडर एंड डायरेक्टर। प्रीति जी, इस शो में आपका स्वागत करती हूँ। और कले किचन सीरीज़ के 5 एपिसोड जो हुए उसमें काफ़ी सारे लोगों ने हमें फीडबैक भेजे हैं और कई लोगों के फीडबैक हमने आप तक पहुँचाए हैं। तो ऐसे ही आपके भी कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। और हमारे साथ हमारे सीरीज़ में जुड़ने के लिए आपको हमारे पेज को लाइक करना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस ये कलर किचन जो सीरीज़ है उसके द्वारा आपको बहुत सारी किचन के रिलेटेड जो भी जानकारी है वो यहाँ से इस एपिसोड के द्वारा प्रीति जी यहाँ से दे रही है। पूरे डिटेल में वो बता रही है कि आप मतलब हेल्दी कैसे रहेंगे, आपके किचन को आप कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि ये हमारी सीरीज़ बहुत अच्छी तरह से लोग देख रहे हैं और फीडबैक भी भेज रहे हैं हमें। तो अभी आगे चलते हैं और मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपके किचन में काम करने का जो तरीका है वो किस तरह का होना चाहिए, वो हमारे दर्शकों को बताइए। अपने किचन में काम करने का तरीका अपने तरीके से होना चाहिए, यानी कि अपन वर्किंग वुमेन है या फिर अपन हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ और वर्किंग वुमेन में इसके डिफरेंस बता रही हूँ कि वर्किंग वुमेन में ये रहता है कि इंस्टेंट सारा काम होना चाहिए। इंस्टेंट इन द सेंस सब कुछ अपने प्रिजर्वेटिव ज्यादा होते हैं कि फटाफट ना भाई चटनी वटनी पीस के रखी हुई होती है, दैट्स द थिंग। प्रिजर्वेटिव यूज ज्यादा होते हैं वहाँ पे। और मिस हाउस वाइफ में ये डिफरेंस रहता है कि हाँ कि उनका स्लोली काम चलता रहता है, कि उनको ये लगता है कि है ना पूरा दिन तो है, तो एट द टाइम ऑफ द डूइंग दिस वर्क तो उनको लगता है कि धीरे धीरे अभी हम करेंगे तो कोई बात नहीं, घर में ही तो है, तो दैट्स द डिफरेंस। और इसमें अपने ये अपने पहले वर्किंग स्टाइल कैसा था कि कुछ भी नहीं था, मिक्सी नहीं था, ग्राइंडर नहीं था अपने टाइम पे, और जैसे कि आगे अपने एंसेस्टर्स के, लेकिन उनका हर एक चीज में वो लोग फिर भी टाइम निकाल देती थी सब चीजों के लिए। और अभी अपने पास ग्राइंडर है इंस्टेंट के लिए, मिक्सी भी है इंस्टेंट के लिए, तो दैट्स द थिंग डिफरेंस। अपने आप बैठ के, अब मैं जो बोल रही हूँ नीचे अपने बैठ के, अगर अपने अपने जो कोई भी बड़ा जो अपना लंबा टाइम होता है नीचे बैठ के अपने ना करते हैं, तो यहाँ पर अपने बैठ के सारी सिचुएशंस में जैसे बड़ा डिनर है, लंच है, आई कैन मेक दैट थिंग बैठ के, और फिर बाद में जो स्नैक्स है मैं उसको खड़े रहकर ना मिस कर सकती हूँ, तो स्टैंडिंग एंड इसमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे मैं दाल वाल है तो वो जैसे कुकर के कोई आइटम हो गया तो उसके लिए मैंने स्पेस डिफाइन कर दी, कि कभी कभी क्या होता है कि आपके कुकर से सामान निकल के जैसे कि स्प्लिट हो जाता है, तो दैट उसके अंदर अपन पार्ट्स बना सकते हैं। वो मैं वर्किंग स्टाइल के लिए बोल रही हूँ कि आपका क्या चीज ज्यादा, अगर आप फास्ट फूड ईटर हो तो उस हिसाब से किचन बनेगा, अगर आप डेली हेल्दी फूड खाते हो तो उसके हिसाब से किचन बनना चाहिए, अगर आप मिक्स खाते हो तो एक संडे कॉर्नर हो गया तो आपको बड़ा प्लेटफॉर्म यूज नहीं करना पड़े भाई फास्ट फूड में। आज संडे है, वीकेंड्स है, तो अपने यंगस्टर्स बनाने वाले तो देखें यूज द मिनी किचन ओवर है, तो दिस इज द थिंग। इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ कि वर्किंग स्टाइल, वर्किंग स्टाइल मीन द कि आप कैसे काम करके अपना किचन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, यंग वंस काम कर रहे हैं और आप काम कर रहे हो, नीचे बैठने का तरीका मिस ज्यादा देर तक का और खड़े रहने का इंस्टेंट का अलग तरीका, तो आपका जो भी है। और जैसे नीटनेस का क्लीनिंग मेंटेन जब आप करते हो तो वो चीज आपके वॉश बेसिन के बाजू में होने चाहिए, कि आपका कोई भी चीज है ना गिरे करे तो आप इजी टू मेन है, तुरंत भाई पानी डाला और डायरेक्टली अपने वॉश बेसिन के अंदर चला गया। अभी क्या है कि अपन एल या कुछ भी अपने सी में प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि मुझे है ना वहां पे मैं वाइप करती हूँ, वहां पे मैं ट्विस्ट करती हूँ अपने कपड़े को, वापिस अपने साफ करने के लिए इधर आते हैं
किचन में अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे गेस्ट होता है वो चीज साफ करते, फिर अगेन अपन धोने के लिए जाते हैं। तो जी वो चीज अपने वो वर्किंग स्टाइल बता रही कि आपके जहाँ पे चीजें होती है, अगर आपकी चीजें में ज्यादा आपके ओपन ना होता है, दूध चाय ये सब ओपन नहीं होती है, तो उसके बाजू में आप छोटा सा वॉश बेसिन रखे जिससे आपको मूव बाबा में नहीं करना पड़े। आपके मसाले जो है जो आपके नीचे पुल आउट्स में रखे क्या ड्रॉवर्स में नहीं रखे, तो आपको एक एक चीज देखनी पड़ती है। पुल आउट्स में क्या है, सडनली यू आर एबल टू सी एवरीथिंग। आपका रोज का खाना है वैसे आप अलग से आप एक बॉक्स बना सकते हो, फिर जो आपके बहुत सारे मल्टीपर्पज के यूजेज हैं वो आप नीचे रख सकते हो, क्योंकि डेली आपका इंस्टेंट होना चाहिए वर्किंग स्टाइल। डेली में आपका जो छोटे छोटे ड्रॉवर्स है वो आपके पुल आउट्स में होने चाहिए, आपको तुरंत ही मिले, गैस के बाजू में तुरंत ही होना चाहिए, कि आपको तुरंत आपके हैंड्स तुरंत जाने चाहिए। हैंगिंग्स होने चाहिए मेरे हिसाब से पूरा, मैं तो ओपन किचन चाहूंगी, उसके अंदर बिल्कुल सारी चीजें दिखती रहे, क्योंकि मुझे इंस्टेंट सारा काम करना है। आई एम ए वर्किंग लेडी, तो जी मुझे ये चीज नहीं पसंद आ रही कि हाँ मैं हर टाइम वो हाइड्रोलिक उठाऊं करूं देन अगेन आई एम टेकिंग आउट द थिंग्स। तो मेरे वर्किंग स्टाइल के हिसाब से मुझे हर एक चीज ओपन चाहिए, क्योंकि अपन वो भी अपन कवर्ड में रखते हैं, टपे वे के डिब्बे में रखते हैं, तो आई एम एबल टू सी, आई एम पिक इट दिस थिंग। और मसाले भी ऐसे यूटेंसिल्स है, कटलरीज है, वो भी हैंगिंग्स में हो, तो दिस इज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट के ओपन किचन जो अपने एंसेस्टर यूज करते थे, जी उनका हमेशा हर एक चीज दिखती रहती थी, तो जी बिल्कुल बिल्कुल वो चीज बहुत सुविधाजनक होती है। बिल्कुल सही बात है एस्थेटिक्स है जी ना, भले उसमें नहीं, लेकिन एस्थेटिक में अपन टर्न कर सकते हैं। वी कैन डिजाइन अवर किचन सम वेव्स और समथिंग लाइक दैट, यू कैन गिव इट। कुछ भी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने जैसे चमचा है तो अपन कुछ राउंड में बना दिया कर दिया एस्थेटिक। आजकल तो अपने देखते हैं कहीं पर आप बड़े होटल्स है ये सब में जाओगे तो डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं एक्सपोज किचन, एक्सपोज वायरिंग, तो जी यू कैन हैव अ एक्सपोज किचन ऑल्सो विथ योर स्टाइल, विथ योर वर्किंग स्टाइल। सम ऑफ द पिक्स वी आर शोइंग ओवर हियर, कि जी उसके अंदर अपन ने बिल्कुल पुराने तरीके बताए गए, जैसे कि हमने बताया यहाँ पर के नीचे बैठ के है ना पूरी चीज बना रहे थे, उसमें क्या आपको लग रहा है कि बुजुर्ग औरत भी आपके साथ बैठ सक रही है, उसके अंदर आपको हर एक चीज से फैमिलीज मेंबर्स भी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि उनको भी लगता है कि हाँ चलो आज ये बड़ा फंक्शन है तो हम भी कुछ हेल्प करवा दिए, तो दिस इज योर वर्किंग स्टाइल। जी बिल्कुल देन सही बात अगेन है ना आपने है ना देख लिया कि है ना साथ में अपन रिलैक्स करते हुए कोई चेयर रख ली है, तो है ना यहाँ पे वेस्टर्न में भी, और अपने जैसे कि अपने टाइम बचत कर ली, तो अपना है ना हमें डाइनिंग अलग नहीं है, डाइनिंग अपन ने साथ में ही रख लिया है, नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं तो अपन परोसने चले गए तुरंत ही, अपन ने बैठ के खाना खिला दिया। तो दिस आर द सम टिप्स वी आर गेइंग अवर, जी जैसे बच्चा है उसको हम लोग ने ना 1.5 फुट का प्लेटफॉर्म बनाया, अब अपने मॉडर्नाइज में अपन टर्न कर सकते हैं, पहले अपन नीचे रखते थे एकदम ही, आप थोड़ा सा ऊपर करके ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं एंड वी कैन हैव अवर कंफर्टेबल किचन, और अपने साथ अपने बच्चे भी बैठ सकते हैं तो अपन उनको भी ध्यान दे सकते हैं एंड किचन में भी ध्यान दे सकते हैं, इसे मल्टीपर्पज हो सकता है। तो जी इधर ही इस तरह से अपनी स्लाइड्स दिखाई जा रही है, अपने अपने जो भी बुजुर्ग भी हैं, अपना जो वर्किंग स्टाइल है बैठने जी का, सिंपल मतलब जो तरीके से हमारे बैठने किचन का का जो तरीका किस तरह का होना चाहिए वो हमारे दर्शकों को हमने बताया जी। तो ये बातें थी किचन की रिलेटेड। तो प्रीति जी काफ़ी फीडबैक जो मिले हैं उसमें हमारे जो दर्शक ने फीडबैक दिए हैं वो हम हमारे दर्शकों को दिखाते हैं, ताकि हमारे इस शो में जो भी लोग देख रहे हैं और उनका जो अभिप्राय है वो हमें कुछ कहना चाहते हैं कि इस एपिसोड के द्वारा आप ये चीज़ें भी इन्वॉल्व कीजिए, इंक्लूड कीजिए, कि ताकि हमें और भी जानकारी आपके द्वारा मिले। तो हम देखते हैं हमारे दर्शक के फीडबैक। एवरीवन, आई एम नैन्सी गांधी एंड आई एम अ कांगा ट्रेनर एंड अ होम मेकर। सो रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस दिस न्यू वर्ड कलई किचन। इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग? यस। सो कलई किचन इज ऑल अबाउट आवर किचन एंड एग्जॉटिक वेब मीडिया एंड कलई किचन दे आर कम अप विद दिस अमेजिंग किचन टॉपिक। So we all know about modern kitchen, but do we know about our Indian kitchen? Do we ever try our Indian kitchen style or accept it? No. So nowadays we go for a modern style kitchen and we end up with a lot of kitchen problems and health issues also. Still we ignore. We buy OTGs,
माइक्रोवेव, बट डू वी एवर ट्राई सगड़ी? नो. इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू लिव अप टू 100 ईयर्स एंड नाउ वी ऑल नो. Now in 30s and 40s, we are having diabetes and blood pressure and lot of problems. So it's all related to kitchen only. Nowadays we are facing lot of kitchen problems, but we don't have to give a proper solution. So take one step forward. Join Exotic Web Media and Kalai Kitchen. Put your queries and problems related to kitchen and get proper solution. Thank you so much, Exotic Web Media and Kalai Kitchen. I'm looking forward for more. And yes, I believe one thing: if woman is healthy, then only she can keep her family healthy. Thank you so much. तो फीडबैक आपने ज़रूर देखा होगा, और इस तरह अगर आप भी आपके फीडबैक भेजना चाहते हैं तो ज़रूर हमें हमारे नंबर पे 9227645700 पे अपना वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं अपने नाम के साथ. तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे आपके जो वीडियो है आपने भेजे हैं उसके लिए प्रोत्साहन देने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे. तो प्रीति जी आगे चलते हैं. तो अभी हम बात करेंगे मल्टीपर्पज़ फर्नीचर क्या है, और इसके बारे में प्रीति जी अच्छी तरह से बताएंगी, क्योंकि मल्टीपर्पज़ किचन क्या है मुझे भी नहीं पता है. तो प्रीति जी बताइए क्या है मल्टीपर्पज़ फर्नीचर. आई एम रिलेटिंग द स्टो. अपने ये रिलेट कर रहे हैं कैसे आपको जगह ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए एक ही है ना फर्नीचर से दो तीन तरीके से अपन काम कर सकते हैं. दैट इज अ मल्टीपर्पज यूज, उसका ये मतलब है. यानी कि आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया तो आपको सर्विस प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है. आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया तो उसके अंदर आपको है ना हमें शटर्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसका अपने है ना फोल्डिंग हो गया टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं है. तो दैट कैन बी पुल आउट एंड दे कैन बी स्लाइड आउट. तो अपन कुछ स्लाइड्स देखेंगे यहाँ पर मल्टीपर्पज फर्नीचर के. इसमें आपने देख रहे होंगे कि जिसमें है ना अपन ने एक है ना पोर्शन निकाल दिया, आगे से स्लाइड करते हैं उसके अंदर अपन आटा बिनने वाला अपन ने प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रख रहे हैं. दैट कैन बी मूव इनसाइड आल्सो एंड दैट कैन बी आउटसाइड. इट्स अ मल्टीपर्पज. सो टू टेबल्स टूगेदर राइट. देन सेकेंडली वी आर शोइंग दिस थिंग के मिस उसके अंदर रैक्स है और बहुत सुंदर तरीके से मैंने सिंगल सिंगल रैक्स दिए हैं. Then third thing, we are using the platform in a different manner. जो छोटे छोटे है ना बॉटल्स हैं अपन है ना मोबाइल ट्रॉलीज की जैसे अपन यूज कर सकते हैं. जैसे कि एक एक चीजों में अपन जैसे स्टोर रूम क्या को रूम नहीं बनाने की जरूरत है. तो उसके अंदर क्या होता है तीन ट्रॉलीज आपने आपने ओपन कर लिया और वो चीज देख ली अपन ने तो आपके सामने ही हो गया एंड स्पेस भी कम यूज होती है एंड आपके सारा सामान उसमें आ जाता है. तो दिस इज द काइंड ऑफ वन थिंग एंड नेक्स्ट इज द ट्रॉलीज. देन वी हैव शोन द कॉम्पैक्ट किचन ओवर हियर, कॉम्पैक्ट कैबिनेट्स. तो उसके अंदर क्या होता है कि अपने सारे चीजें है ना छोटे से रूप में अपन किचन बना सकते हैं. स्लाइड्स में से अपन है ना प्लेटफॉर्म्स खड़े कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि हैंगिंग स्टेप टॉप्स भी होते हैं तो आपने जस्ट स्लाइड आउट करते हैं अपने टेबल्स बन जाते हैं, डाइनिंग टेबल्स बन जाते हैं. तो दिस आर द थिंग्स वी हैव डन इट ओवर हियर एंड फ्यूचर्स में अपने कैसे प्लानिंग हो सकती है जो अपन क्रिएटिव कॉर्नर्स बताना चाहते हैं एंड दैट आल्सो वी आर शोइंग इन दिस स्लाइड्स. सो जस्ट टेक अ लुक ऑन दैट. जरूर. तो दर्शक मित्र आप देखिए जरूर जो यहाँ से पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है, और ये जो अभी बताया जा रहा है मल्टीपर्पज फर्नीचर क्या है तो उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं. जी प्रीति जी, जैसे हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है लिविंग रूम के साथ है ना व्हाइट कलर के हम पीछे बैकग्राउंड है. मिस दिस वन इज आई एम टॉकिंग अबाउट के जैसे कि एक जेंट्स की एक ऑफिस होती है तो वो कैसे अपना डेकोरेट करके एक टेबल पे काम करता है.
तो दैट्स आई एम कंपेयरिंग विथ अस, ठीक है, हमारा एक ऑफिस हो गया, एक तरह से आई एम कंपेयरिंग दिस ऑफिस किचन एज ऑफिस, तो वो भी मैं अपने एक है ना टेबल से रिलेट कर सकती हूँ कि मेरा टेबल जितना सोफिस्टिकेटेड लुक हो, जो भी अपने है ना मीन्स जितने भी हो वो कवर्ड हो जाए, प्लेटफॉर्म्स हैं अपने, गेस्ट स्टोव्स हैं, तो वो मैं कवर्ड कर सकूं। फिर सेकेंडली आई कैन हैव अ क्रिएटिव कॉर्नर्स, आई कैन हैव अ मीन्स अ सिटिंग एरिया, आई कैन हैव अ मीन्स सम आर्टिफैक्ट्स ओवर देयर, आई कैन हैव ग्रीनरी अराउंड अस, और मीन्स कोई जरूरत नहीं है यूटेंसिल्स और ये सब का पूरा चौकड़ी बनाने का, वी कैन हैव अवर मिस रॉकिंग एंड शॉकिंग काइंड ऑफ थिंग, मिस स्मॉल गार्डन काइंड ऑफ थिंग, तो ये सब स्पेस यूटिलाइज करनी चाहिए। फिर अप डाउन है, अब स्टोरेजेस है वो भी अपने को मुझे एक्सपोज रखने हैं, तो आई कैन गो इन द डिफरेंट स्टाइल, जैसे कि अपने कुछ स्लाइड्स हमने बताई है यहाँ पे, जैसे कि राउंड एंड आप वर्टिकल में देख रहे होंगे स्लाइड, उसके अंदर स्टोरेजेस है, तो दैट इज अ ब्रास एंड ब्लैक के अंदर दे रखा है हमने स्टोरेज, तो दैट यू कैन यूज एज अ स्टोरेजेस, वो आर्टिफैक्ट की जैसे भी आपको लग रहा है एंड आप स्टोरेजेस भी आप, जी तो वी आर प्लेइंग विद द डिफरेंट शेप्स ओवर हियर, एंड दिस थिंग यू कैन यूटिलाइज इन योर किचन, कि हर एक चीज आपको, ये चीज है कि आपको पर्टिकुलर किचन बताना है, तो अपने को अपने ये चीज टर्न कर रहे हैं, अगर ऐसे अगर एक्सपोज किचन बना रहे हैं तो अपन वी कैन इंक्लूड द डिजाइन इन दैट थिंग, एंड वी कैन हैव अ क्रिएटिव कॉर्नर विद द किचन, आपको मालूम है कि आपका किचन है लेकिन दूसरा कोई आएगा तो उनको लगेगा कि आर्टिफेक्ट्स है, जैसे कि आपने इधर देख रहे होंगे एक स्लाइड में कि एक हमने बोर्ड स्टाइल में, लेकिन दैट इज अ किचन टोटली, उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, चॉपिंग एंड मीन्स वॉशिंग एवरीथिंग, और डिफरेंट स्टाइल में एक और चीज है कि आपने 5 फीट तक का ही लिया है, क्योंकि जहां तक अपनी, मेरा कहना है कि जहां तक अपनी आंख जाती है वहां तक अपन पूरे अच्छे से अपना हाथ जाता है, अपन खड़े रहते हैं तो ऐसे रहते तो अपन सब चीज मेंटेन कर सकते हैं, और अपने है ना इस खड़े होकर अपने को बैक दर्द भी होगा, क्योंकि अपने को हर टाइम अपन खड़े होकर साफ नहीं कर सकते हैं, हर टाइम ऊपर के कैबिनेट्स रह जाते हैं, मैं कवर्ड करती हूँ लेकिन आज भी हिंजेस है, हाइड्रोलिक्स है, उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ है ना हम इस जाले हो ही जाते हैं, क्योंकि आपके काफी टाइम के बाद यूज आता है, तो हमेशा लो हाइट पे आप भले वॉटर्स बना लो और उसके ऊपर आप है ना भले प्लेटफॉर्म्स दे दो, दैट यू कैन यूज इट, आप जो हाई लेवल्स पे 5 फीट पे, 4.5 फीट पे आप जो हो रहे हैं आप कंटिन्यूटी भी ले सकते हैं और अपने मेंटेन भी कर सकते हैं, और प्लस आपका स्पेशियस भी लगेगा, ओपन लगेगा, आप ऐसे नहीं लगेगा हर टाइम, कभी कभार अपने को सोफिस्टिकेट नहीं लगता, मिस हैंग ओवर लगता है कभी कभी अपने अंदर जाते हैं ना, तो क्योंकि साइड कैबिनेट सब चीज होती है ओवर हेड, तो ऐसा लगता है कि कभी किचन हेडेक होता है तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर ही आ जाएगा, तो अपने लेवल पे होता है तो लाइटनेस फील होती है, स्पेशियस होता है तो लाइटनेस फील होती है, और ग्रीनरी होगा तो आपका मूड है ना बहुत अच्छा होगा, म्यूजिक होगा तो आपका मूड बहुत अच्छा होगा, तो किसी को भी हमेशा आपने सुना होगा कि जब भी आप खाना बनाते हो म्यूजिक सुनने का बहुत अच्छा है, कि अपने म्यूजिक सुनते हो, क्योंकि आजकल वो साथ ही नहीं है जो आपके साथ आपके बात कर रहा है, आप कभी भी, एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है इसमें कि जब कोई साथ रहता है भले वो काम करे या नहीं करे, लेकिन आप बातें करते हो तो आपका काम हो जा रहा है कहाँ पे, तो आपको पता नहीं चल रहा है, और आप एक अकेले या कॉर्नर में काम कर रहे हो आपको हेक्टिक लगता है कि मैं बहुत ज्यादा मैंने काम कर रही हूँ, क्योंकि यू आर वर्किंग अलोन ओवर देयर, जी सही बात है, और गर्मियों में तो और भी ज्यादा लगता है कि मैं अब कब खाना बना, हम लोग ड्यूटी समझ रहे हैं, एक्चुअली अपन ड्यूटी को अभी अपने मिस बोलते हैं ना कि एक शौक के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाए, अपन उसमें बैक रह गए हैं, बहुत बैकवर्ड रह गए हैं, और जो एकदम शौक से मिठाइयाँ मिठाई बनाते हैं आजकल सब चीजें मिस नहीं कर पा रहे हैं, अब तक को लगता है रोज का खाना, रोज का रूटीन कंप्लीट हो जाए, दैट इज इनफ फॉर अस, जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज एक साथ फैमिली साथ बैठकर भी खाना नहीं खा सकती है, इतने लोग बिजी रहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, ये सबकी मतलब एक ऐसी कमी है अपने जीवन में, अपने संसार में, परिवार में, जो पहले की तरह नहीं है, पहले सब एक साथ बैठ के ही खाना खाते थे, एक साथ ही सब काम करते थे, मिलजुल के काम करते थे, चाहे फैमिली भी इतनी सारी होती थी पहले, मुझे पता है मैं जब शादी करके आई तो पूरी 100 लोगों की फैमिली थी, जॉइंट फैमिली में सब रहते थे, कौन क्या काम करता है कैसे करता है कभी पता नहीं चल रहा था, और जब लोगों के साथ जब काम करते हैं हम तो कुछ उसका ऐसा अनुभव होता है कि जब नई नई कोई शादी करके आती है, पहले के ज़माने में ऐसा था कि कोई नया आता है और
पहले ही उनको बोलते हैं किचन में जाओ खाना बनाओ, और इतना बड़ा परिवार होता है तो ऐसी हालत हो जाती है तब। तो ये मैंने महसूस किया है, क्योंकि मैं मुझे खाना बनाना नहीं आता था, और मुझे तो मेरी सास ने ही खाना बनाना सिखाया है, और अभी मैं बनाती हूँ, अच्छा खाना बना लेती हूँ जो भी हाल है उसमें। पर ये बात सही है कि सब लोग अगर इंटरेस्ट लेके अपने किचन को भी ऐसे अपने शौक की तरह यूज़ करें, या अच्छे से हेल्दी लेकर रहकर यूज़ करें, खुद भी हेल्दी रहेंगे, अपने किचन को भी हेल्दी रहेंगे, और अपने परिवार को भी आप हेल्दी रख सकते हैं। अगर हमारे एपिसोड के द्वारा कुछ भी आप सीखते हैं, कुछ भी अगर आप अंदर अपने जीवन में लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपको रहेगा। तो प्रीति जी, अब ये एपिसोड मेरे ख्याल से फिनिश करने से पहले आप हमारे जो यंग दर्शक है, जो यंगस्टर्स है, जो कॉलेज गर्ल है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे तो पहले फीडबैक मांगना चाहूंगी कि प्लीज गिव योर फीडबैक, बिकॉज दिस टाइम इज गोइंग टू योर्स। हमने तो एक तरह से आधी जिंदगी बिता ली है, और हम तो वही है ना, पटरी पे चल रहे हैं, और जो है ना, जिसने दिया जैसा वैसा अपनाते गए हैं। हमने कभी अपनी बुद्धि नहीं लगाई, बुद्धि इन द सेंस कि हमको अगर स्टैंडिंग मिला स्टैंडिंग में काम किया, मम्मी को हमने पूछा उन्होंने सिटिंग में काम किया, और बुजुर्ग लोगों ने भी है ना पाटे पे बैठ के काम किया। तो हमने तीनों जनरेशन में अलग अलग देखा चीजें। पाटे से भाई आया थोड़ा सा स्टैंडिंग पे, स्टूल मुड्ढा यूज होने लगा, अब वो भी हट गया है, अब खड़े में आ गया है जमाना। लेकिन किसी ने ये महसूस नहीं किया कि हमने संस्कृति छोड़ी, और है ना हम लोग आगे, अब आगे सब लोग प्रोफेशनल्स होने वाले हैं, सब लोग अलग अलग, और आगे मेरे ख्याल से आफ्टर 5 और 6 ईयर्स मेड्स भी नहीं अवेलेबल होगी। तो यू हैव टू वर्क, यू हैव टू ईट, तो वॉट यू हैव टू डू, लेट डिजाइन फॉर दैट थिंग, कम टूगेदर, कम विथ अस, शेयर योर व्यूज, वी विल गिव यू द बेस्ट, सो लेट अस टॉक, थैंक यू। प्रीति जी, तो इस बहाने को जो शायरी हो जाए आज, अभी ये हमारा एपिसोड 6 यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आप कुछ सुना दीजिए। दर्द दर्द भी उसे ही होता है, दर्द दर्द भी उसे ही होता है जो दिल से काम करता है, जी क्या बात बाकी तो सब दिखावा होता है, बाकी तो सब दिखावा होता है। जी दर्द उसी को मिलता है जो दिल से काम करता है, और हमें भी मालूम है कि हम कोई इतना ज्यादा नहीं लेकर आए हैं, लेकिन इतना सा तो जरूर लेकर आए हैं कि आपकी आंखें तो खोल के जाएंगे, आपकी आंखें तो हम खोल के जाएंगे कि क्या हो रहा है। हमको किसी ने, बहुत सारे मेरे पास व्यूज भी आया है, ऐसा नहीं है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। किसी ने मुझे बोला ओवर कॉन्फिडेंस है आप, मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ सर जी, आप गुरु हो, मैं तो एक छोटी सी, एक बोलते ना एक आम औरत हूँ। एक और व्यू मैं शेयर करना चाहूंगी, जो बेटी ने मुझे कहा, आई एम नॉट गोइंग टू मेंटेन दिस, इतना सारा काम जो आपने किया है मैं नहीं कर सकती। So this is the one view I am sharing with you. Waiting for others. जी, थैंक यू प्रीति जी, बहुत ही अच्छी आज इन्फॉर्मेशन हमने किचन के रिलेटेड जो बताई है, कलई किचन सीरीज, कलई से कल्याण तक। तो हमारे इस एपिसोड को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस एपिसोड में, अपना फीडबैक देना चाहते हैं, या तो आपके कोई भी प्रश्न है वो हमें पूछना चाहते हैं, तो हम ज़रूर उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर देंगे। और हमें जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, हमारे सपोर्टेड पार्टनर है कोर वैल्यू फर्नीचर एंड वेन्यू पार्टनर कासा किचन के, हम आभारी रहेंगे, आभारी है। ऐसे ही हमें सपोर्ट करिएगा हमेशा, और करते रहते हैं आप हमेशा, तो बहुत बहुत मैं आपकी आभारी रहूँगी। और साथ में सीनेस्टा की जो पूरी टीम है, उनको भी मैं आभारी कहती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में, कलई किचन, कलई से कल्याण तक। मिलते हैं वापस, तब तक के लिए नमस्कार।